किसी ने एक सवाल किया, आजकल इंटरनेट पर अपना प्यार पाओ वजीफे सेल होते हैं, क्या इन्हें खरीदना सही है? तो देखिए, सबसे पहली चीज़, अगर ऐसा होता कि किसी के मोहब्बत को पाने के लिए वजीफा खरीद के आप अगर उससे पा ले सकते हो तो क्या ही बात थी, क्या ही बात थी। तो ये सब जो है फालतू बातें, याद रखिए, ये सब गलत चीज़ें याद रखिए, ये शरीयतन बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं, याद रखिए। और जो अपना प्यार पाओ, तो ये कौन से प्यार की बात कर रहे हैं हम? मतलब वो जो चेहरा देखकर आपको इश्क हो गया और उसके बाद आप उसके पीछे पड़े और उसको आप हासिल करना चाहते हैं, वही तो हो सकता है, मतलब उसके अलावा और क्या हो सकता है? ठीक है, तो लिहाजा ये तमाम चीज़ें बिल्कुल फालतू की चीज़ें हैं और ये सब नहीं होना चाहिए, याद रखिए। लेकिन मैं जानता हूँ आजकल जितनी चीज़ें हो रही, जितने स्पिरिचुअलिटी वाले लोग हैं, आप ट्रेन्स में कभी सफ़र कीजिए, बसेस में सफ़र कीजिए, और नुक्कड़ों चौराहों पर जो एडवर्टाइजमेंट, जो स्पेशली ओल्ड सिटीज़ में होता है ना, जब किसी शहर के आप पुराने शहरों के अंदर जाते हैं, किसी इलाके के पुराने एरियों में, तो वहाँ ज़रूर लगा होगा, अपने प्यार को पाइए, सास से छुटकारा पाइए, मोहब्बत को हासिल कीजिए, पति को वश में कर लीजिए, घर मालिक को फलां कर लीजिए, ये है। या फिर ऐसा शुरुआत ऐसी होती है, सास से परेशान, बीवी से परेशान, मोहब्बत का नहीं मिलना, कर्ज़दारों का उधार वापस नहीं लौटाना, तो आइए हमारे पास और हमारे पास इसका सलूशन है। ऐसा कोई सलूशन नहीं है, अगर उसका सलूशन होता तो ये धंधा ही नहीं करता, कुछ और करता था, वो जो सलूशन दे रहा है वो कुछ और करता था फिर तो। बहरहाल लोगों ने इसको सब, ये सब ट्रिक्स बना लिए, इसकी कोई हकीकत नहीं होती, याद रखिए। तो लिहाजा ये अपना प्यार पाओ वाला जो वजीफा चल रहा है, प्लीज़ इसके चक्कर में मत जाइए, वरना आप जो है खामोखा दीन और शरीयत के अंदर एक नया काम करेंगे जो बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं। फिर उसका वजीफा सेल होता है, उसका ख़रीदना कैसा है भाई? उसकी शुरुआत ही दुरुस्त नहीं, तो ख़रीदना भी दुरुस्त नहीं उसका। और उसमें कई वजीफे मैंने देखा, मोहब्बत के हासिल करने का वजीफा, मोहब्बत को पाने का वजीफा, और वो उसके अजीब और गरीब तरीक़े, किसी में आपको कोई चीज़ को विर्द करवाया जा रहा है, मतलब कोई चीज़ को बतरतीब कुछ मखसूस औकात में पढ़ाया जा रहा है, तो कभी कभार बोला जा रहा है कि फलां चीज़ उसके घर के सामने फेंक कर चले जाओ तो वो उसका दिल तुम्हारी तरफ मायल हो जाएगा, कभी ये किया जा रहा है कि उसका तस्वुर जहन में लाते हुए कुछ अस्कार किए जाए तो वो मिल जाएगा, कभी ये किया जा रहा है कि उसका तस्वुर लाते हुए कुछ चीज़ को जलाया जाए, पिया जाए, लटकाया जाए तो तुमको हासिल हो जाएगा। ये सब बेबुनियादी और फालतू की चीज़ें, याद रखिए, फालतू से भी थोड़ा गिरी हुई कैटेगरी है, तो लिहाजा इसमें बिल्कुल बिल्कुल ना भी चक्रों में ना जाए। और प्यार पाव वाला कोई वजीफा नहीं, याद रखिए, किसी से मोहब्बत होना वो भी शरी बुनियादों पर होना, याद रखिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। ठीक है, इंशाल्लाह कभी इस पर हम और देखेंगे, लेकिन मैंने एक लेक्चर ऑलरेडी इस पर, इश्क, लव और मोहब्बत की हकीकत, एक काफ़ी बड़ा लेक्चर है, उसमें मैंने तफसीलात रखी है, उसको आप कभी देखें। तो ये ऐसे चक्कर मत जाइए, बिल्कुल दुरुस्त और सही नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, आप भी हमारे इस काम में ताउन करें अपनी ज़कातो सदक़ात के जरिए, डोनेशन डिटेल्स के लिए डोनेट अस पर क्लिक करें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए हैं तो इसे शेयर करें और सबके हक़दार बने। रोजाना हमारे वीडियो को पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हमसे दीगर सोशल मीडिया पर जुड़ने के लिए वीडियो में दिए गए आईडी को सर्च करें। जज़ाकअल्लाह।